दोस्तों, मोबाइल टेक्निकल गुरु में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप अपने फ़ोन का पिन लॉक भूल गए हैं या पैटर्न लॉक डाल करके भूल गए हैं तो नया पिन और नया पासवर्ड कैसे आप जनरेट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। यदि यहाँ पर यदि कोई सा भी पैटर्न लॉक डाले हैं और वो पैटर्न लॉक काम नहीं कर रहा है, भूल गए हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से नया पैटर्न लॉक और पिन लॉक आसानी से जनरेट कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को फिर पहले जैसा यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होगा, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये जो ट्रिक है सभी मोबाइल फ़ोन में काम करता है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, सभी सेट में ये ट्रिक काम करेगा। आसानी से आप पिन लॉक भूल गए हैं, पैटर्न लॉक भूल गए हैं तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर लेना है। यदि आप पैटर्न लॉक और पिन लॉक डाल करके भूल गए हैं, नहीं पता है, आप चेंज करना चाहते हैं, दूसरा पैटर्न लॉक डालना चाहते हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर लीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर बटन और प्लस वाले बटन को दबाना है, कुछ देर तक होल्ड करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दबा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पावर बटन और तुरंत प्लस वाला बटन दबाते हैं। दबाने के बाद टेक्नो जैसे लिखेगा, आपको ये वाला पावर बटन छोड़ देना, प्लस वाले को होल्ड रखना है। होल्ड तब तक रखना है जब तक कि यहाँ पे कोई इंटरफेस ना आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डब्बे सा बन गया। अब यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, टच करेंगे कुछ भी नहीं काम करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस डब्बे को हटाने के लिए आपको ये प्लस वाला बटन और पावर बटन को दबाना है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से पहले पावर बटन और प्लस वाले को दबाते हैं। जैसे आप इन दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इस टाइप का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे यदि आप पैटर्न लॉक को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ड्रॉ करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन का जो भी ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल है, कुछ भी फ़ोन में रखे हैं, सब कुछ डिलीट हो जाएगा और पैटर्न लॉक भी डिलीट होगा, पिन लॉक भी डिलीट होगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा आपके फ़ोन का। और उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन का नया पिन जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे सब कुछ डिलीट करता हूँ अपने फ़ोन का। तो यहाँ पे क्लिक करने के लिए हमें फिर पावर बटन को दबा देना है। चलिए यहाँ पे मैं दबाता हूँ। आप इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये मैंने दबाया और ये सर नो पूछेगा, आपको डाउन एरो से नीचे आना है और यस वाले पे क्लिक कर देना है। चलिए यस पे क्लिक करते हैं। यस पे क्लिक करते ही यहाँ पे यस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये यस पे क्लिक करते ही यहाँ पे जितना है फ़ोन का ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल, बैकअप फाइल, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो जाएगा तो आप आसानी से जब फ़ोन चालू होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको पिन लॉक और पैटर्न लॉक सेट करने का तरीका आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ पे आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे पावर बटन को दबा देते हैं। इस तरीके से फ़ोन स्विच ऑफ होगा और ऑटोमेटिक चालू होगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नो लिख करके आ गया और यहाँ पे आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आपके फ़ोन में ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है, गूगल अकाउंट मांगता है, तो आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 100% आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए और हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर टेक्नो स्पार्क लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा।
दोस्तों जब आपके फ़ोन से सब कुछ डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके स्क्रीन में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर में आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा से आपको स्किप पे क्लिक कर देना है। स्किप पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपके फ़ोन में गूगल अकाउंट मांगता है या कोई सा भी अकाउंट मांगता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो को देख करके आप आसानी से गूगल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। कोई सा भी अकाउंट है तो आप वहां से आसानी से उस वीडियो को देख करके आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पे कोई सा भी अकाउंट नहीं मांग रहा है तो हमें क्या करना है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं ये दो ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर स्किप एनी वे पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से नया पिन जनरेट कर सकते हैं या आप बिना पिन का या बिना पैटर्न लॉक को आसानी से इस फ़ोन को खोल सकते हैं। अगर आप पिन लॉक को या पैटर्न लॉक को जनरेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप नया पिन जनरेट कर सकते हैं, नया पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। ये जनरेट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करिए, पैटर्न लॉक जनरेट करना चाहते हैं तो पैटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, या पिन लॉक सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पिन पे क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे तो नया पिन यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे नया पिन जनरेट करना चाहता हूँ, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 1 2 3 4 यहाँ पे डाल करके नेक्स्ट करता हूँ और दोबारा से वही आपको पिन डाल देना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके फ़ोन का जो पिन लॉक है वो 1 2 3 4 हो गया। दोस्तों अगर आप यहाँ पे फेस लॉक लगाना चाहते हैं तो फेस लॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगाना है, हमें बस पिन लॉक और पैटर्न लॉक चेंज करना था तो आसानी से चेंज हो गया। यहाँ पे आप स्किप पे क्लिक करके, स्किप एनी वे पे क्लिक करके आप आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जिस देश में आप रहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है, तो चलिए इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को सेलेक्ट करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक आपको ट्रिक दिखाई देगा प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ऐसा करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपकी स्क्रीन में चलेगा और आपके फ़ोन से जो भी पिन लॉक है, पैटर्न लॉक है, वो आसानी से चेंज भी हो जाएगा और टूट भी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप सेट करना चाहते हैं नया पिन तो कर सकते हैं, अन्यथा वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सा भी पिन नहीं मांगेगा। तो दोस्तों जैसे आप फ़ोन को लॉक करेंगे यहाँ पर पिन वही मांगेगा जो इसके पहले आप डाले हैं। तो चलिए जो पिन हम डाले थे वो देखते हैं यहाँ पे काम करता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपके पास कोई भी सैमसंग का कीपैड फ़ोन है और उसमें पिन लॉक या कोई भी कोड डाल करके भूल गए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने मोबाइल का कोड लॉक आसानी से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं कि जब आप कॉन्टेक्ट में जाएंगे का लोगो में जाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड लॉक मांग रहा है, ठीक है। यदि आप कॉन्टेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड लॉक मांग रहा है। यदि कैलेंडर खोलेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पासवर्ड लॉक मांग रहा है। मैसेज यदि किसी को भेजना चाहते हैं या मैसेज पढ़ना चाहते हैं तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कोड लॉक मांग रहा है। दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन का कोड भूल गए हैं तो आप यहाँ से सेटिंग में आकर के और जब यहाँ पे हार्ड रीसेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ भी आपसे पासवर्ड मांग लॉक कोड मांगेगा। यहाँ पर मास्टर रीसेट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपसे कोड मांगेगा। यदि कोड पता है तब तो आप हार्ड रीसेट यहाँ से कर सकते हैं, यदि नहीं पता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कुछ आपको कोड बताएंगे, उस कोड को अपने मोबाइल फ़ोन में डालिएगा। सैमसंग के सारे मॉडल में ये कोड काम करेगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यहाँ पर आपको कोड डायल करना है,
*2767*3855# जैसे डालेंगे यहाँ पे देख सकते हैं फुल रीसेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे फुल रीसेट का ऑप्शन शो करेगा, मोबाइल आपका बंद हो करके यानी रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बंद हो करके दोबारा से चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। यदि आपके मोबाइल में हैंगिंग की समस्या है तो वो भी इस कोड के माध्यम से आप अपने मोबाइल को रिफ्रेश कर सकते हैं, ताज़ा कर सकते हैं। यहाँ पे यस आरनो पूछ रहा है अपडेट टाइम सेट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है कि मोबाइल रिस्टार्ट होकर के चालू होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम कॉन्टेक्ट में जाएंगे, देख सकते हैं जब कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉन्टेक्ट जो है कि खुल गया, ठीक है। कॉल लोगो में जाएंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा रिसीव कॉल मिस कॉल जो भी है वो ओपन हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा मैसेज नहीं खुल रहा था, ठीक है, वो भी खुलने लगा। डायल पैड पे जो लॉक था ये सारा लॉक हट चुका है। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन है उसे भी आप दबा लीजिए ताकि जब भी कोई इस टाइप की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन